हाय गाइस, अभी तक मैंने ये रक्षाबंधन का मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है, जिसको अब मैं रिमूव करने जा रही हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोगों ने मेरा ये मेकअप लुक नहीं देखा है। अभी मैं निकाल रही हूँ नेल्स। ये अच्छा, ये 5 रुपये वाले नेल्स थे जो आपको लोकल मार्केट में ईजिली आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। लगाना चाहते हो पार्टी वगैरह में तो लगा सकते हो। मेरे बहुत छोटे नेल्स थे तो इस बार मैंने ट्राई किया कुछ, मतलब अभी तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ऐसे फेक नेल्स नहीं लगाए थे। ये मेरा फर्स्ट था टाइम था जो मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था। और ये रिंग्स आप लोग देख रहे थे, ये रिंग्स मेरी लोकल मार्केट की थी, ऑनलाइन नहीं थी। तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना अगर आप लोग को रिंग्स पहनने का शौक है। ईयरिंग्स की मैं बात करूँ तो ईयरिंग्स है मीशो की, आप लोग को उसमें लिंक मिल जाएगा मेरी ये वाली वीडियो में। ये राखी मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसका लिंक जो मैं डालूँगी आप लोग को इस वीडियो में, इस ईयरिंग्स का मिल जाएगा। बहुत मतलब बहुत ही टफ हो रहा था मेरे लिए इसको निकालना, फंस गई थी कान में एकदम, जैसे चिपक गई थी है, इतना दर्द हो रहा था इसको निकालने के बाद। थोड़ा बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ। ड्रेस मेरा है मीशो का ड्रेस है, ये मेरा प्लाजो कुर्ता है, ये प्लाजो कुर्ती है, सॉरी प्लाजो कुर्ती है। आप इसे देख सकते हो, इसमें आपको कई सारे अवेलेबल कलर मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना। स्प्रे डाला हुआ था बालों में, आप लोग देख सकते हो कितना मतलब मेरे रफ़ हो गए हैं बाल। और स्प्रे के बाद आप लोग बिना वॉश के तो नहीं रह सकते, तुरंत ही इसको मैंने वॉश भी फिर किया था, तब जाके मतलब ऐसा हल्का लग रहा था सर, इतना भारी सर लग रहा था स्प्रे से, स्प्रे वगैरह क्योंकि यूज़ कर लिया था, क्योंकि हल्के से लूज़ कर्ल्स किए थे मैंने। एक बार देख लेना वीडियो, बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं बैठ गई अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, और कुछ प्रोडक्ट मैंने खरीदे इस बार मेकअप रिमूविंग के लिए, बट वही आप लोग को बस वही सब दिखाने थे, तो चलिए दिखाते हैं। पर सबसे पहले लैशेज अपनी रिमूव कर लेंगे। ये लैशेज मैंने लगाई थी, आप लोग मैंने इसे भी लोकल मार्केट से लिया था, आप लोग अपनी मार्केट में चेक कर लेना, आप लोग को मिल जाएगी। ओके चलो मेकअप रिमूव करते हैं। ये है ब्लू हेवन का BI फेस मेकअप रिमूवर। दिस इज़ ऑल न्यू BI फेस मेकअप रिमूवर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर सिलिकन एंड ऑयल है। इसके अंदर ऑयल भी पड़ा जो कि मेकअप को ईजिली रिमूव करेगा। इट रिमूव स्किन लिप एंड आई मेकअप एंड लीव्स बिहाइंड अ नरिश सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन। बहुत ही नो सॉफ्ट स्किन होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्श रहेगा। माइसलर क्लिनजिंग वाटर है, पैराबन फ्री है, तो इसमें आर्गन ऑयल है, और आर्गन ऑयल आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। 125 ml की बॉटल थी, इसको मैंने पर्पल से परचेज़ किया हुआ था। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, चेकआउट कर लेना। अच्छा, रील्स मैंने डाली अपने इंस्टाग्राम वाले अकाउंट में, आप लोग देख लेना, वहाँ पर मैंने इसकी रील्स डाली है जब मैंने इसे मंगाया था। ये इतना शिमरी सा ये है मेकअप बेस रिमूवर, अच्छा पसंद आएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम मतलब वाओ वाली फीलिंग आ गई थी इसमें, बहुत अच्छे से इसने मेरा आई मेकअप एकदम क्लियरली नो रिमूव कर दिया था। अच्छा, क्या लगता है ना कि बस मेकअप रिमूव करते टाइम आप लोग के पास बस ये लगता है कि बस एक अच्छा सा प्रोडक्ट हो भाई, इतना टाइम नहीं रहता कि हम उसे घिस घिस के निकालें, है ना, और फेस हमारा और ख़राब हो जाए अगर हम बहुत ज़्यादा उसको रगड़ेंगे। तो ये आपका मेकअप रिमूवर, आप लोग ये वाला एक बार लेना, ट्राई करना, बिल्कुल ईजिली बिना बिनो एकदम लेस इफ़र्ट्स वाला है, और आप लोग को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप लोग का मेकअप ईजिली रिमूव। मैट लिपस्टिक होती है, नहीं रिमूव होती है। कई बार फेस वॉश आप लोग कर लो, आप लोग की लिपस्टिक लगी रह जाती है, बट ये वाला जो आप लोग देख रहे हो पूरी लिपस्टिक इसमें टिश्यू में आ गई है, तो अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और इससे पहले कोई भी मेरे पास माइसलर वाटर नहीं था, इसे मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया, और एक्सपीरियंस अच्छा निकला मेरा। मेरी तरफ से आप लोग इसे ले सकते हो, ये इन्वेस्ट है आर्गन ऑयल से, और आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है आर्गन ऑयल, तो आप इसे ले सकते हो। इसमें आप लोग देखना है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत है, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से बहुत पसंद आएगा आप लोग के स्किन को, ना हार्म नहीं करेंगे, ऑल स्किन टाइप्स रहते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ आयुर हर्बल का डीप क्लिनजिंग मिल्क है विद एलोवेरा। ये ऑल स्किन टाइप होता है, ये आपके स्किन को ना डीप क्लिंस करेगा, थोड़े बहुत जो मतलब डर्ट वगैरह है या मेकअप के बाद आप लोग इसे यूज़ करना चाहते हो, अगर आप लोग के पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप लोग मेकअप के बाद आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो अपना मेकअप उतारने के लिए। अदरवाइज़ आप लोग पहले रिमूवर करने के बाद ये आप क्लिंजिंग मिल्क लेकर इसको अच्छे से रब करो, आप लोग देखोगे आपकी स्किन पे ना मसाज करो 2 मिनट, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ अरोमा मैजिक का
स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। इसका इसका वीडियो, इसका पर्सनली रिव्यू मैंने किया था, इसका एक फेस वॉश और एक फेस पैक का, दोनों का रिव्यू मैंने किया था। उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। परचेज करना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया वाला फेस वॉश है, ऑल स्किन टाइप है, तो एक बार परचेज ज़रूर करना और अच्छा लगेगा आप लोग को बहुत ही ना। इतना अच्छा लग रहा था इसमें मुझे मेकअप रिमूव करते टाइम, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आराम से आप लोग का हैवी मेकअप जो भी रहेगा ना ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो एक बार सारे ही प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप लोग देख रहे हो मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई है, बिल्कुल कहीं भी ज़रा सा भी इस मेकअप नहीं है। सबसे पहले तो ब्लू हेवन वाले उसने माइसलर वाटर ने मेकअप रिमूव कर दिया, उसके बाद जो थोड़ा सा बहुत था 0.1% वो उसने क्लिंजिंग आयूर क्लिंजिंग ने रिमूव कर दिया। आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है मेरा फेस। इसके बाद ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट टोनर है। कई फ्लेवर्स आते हैं, आप लोग देख लेना यार आप लोग के स्किन पे कौन सा जा रहा है। नहीं पता होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आप लोग की स्किन किस टाइप की, फिर मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूँगी आप लोग कौन सा ले लेना। इसके बाद है ये रोज़हिप का फेस सीरम है, ये रोज़हिप का, इसे भी मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया है और इसका भी मतलब अच्छा निकला मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है। रोज़हिप का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम है। सारी की सारी मैंने रील्स डाली थी मैंने अपने इंस्टाग्राम वाले अकाउंट में, अगर आप लोग ने वो नहीं देखी तो एक बार जाके एक बार चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोग को अपने इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो एक बार आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। और सारी प्रोडक्ट आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आप लोग देख रहे हो मेरी फेस कितना है ना क्लीन लग रहा है, एकदम क्लियर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं था मेरे फेस पर, कोई मेकअप ही नहीं था और स्किन भी बहुत हेल्दी हो जाती है अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो।